के सामने जी बड़ा उत्साह है। 12-13 दिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो कहा गया था कि आपने जब तक आपकी टिकट अनाउंस नहीं होती आपने दिल्ली के अंदर ही रहना है, तो इस करके 12-13 दिन मैं यहाँ से एब्सेंट रहा। और लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से ये पूरे परिवार ने मेरा चुनाव उठाने का काम किया। एक तरफ पूरा धन बल कब से शुरुआत हो चुकी है और एक तरफ वही हमारा पसीना हमारे परिवार का जिसने 12-13 दिन इलेक्शन को पूरा उठा के रखा। क्या लग रहा है आज कुछ नया गठबंधन हुआ है शिक्षा में? कौन से वाला जी? देखिए चौटाला साहब मेरे आदरणीय हैं और जब एलनाबाद बाई इलेक्शन के अंदर उन्होंने किसानों के पक्ष में अपना इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का काम किया था, तब ये जो सामने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके जो चौटाला साहब के सामने चुनाव लड़े थे, तो उस समय उन्होंने अपनी भूमिका क्या अदा करी थी? किसान विरोधी की। तो मैं ये समझता हूँ कि चौटाला साहब की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक विधायक थे जिन्होंने अपना इस्तीफा किसानों के हक में देने का काम किया। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें याद रहती हैं, ये चीज़ें भूलती नहीं हैं। लेकिन अगर इस तरीके के व्यक्ति को अगर INLD ने अपना समर्थन देने का काम किया है तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि ये पार्टी जब इतना बड़ा बलिदान कर सकती है तो किसान हितैषी लोगों को समर्थन नहीं देना चाहिए था, जो मेरी सोच कहती है। गोकुल दिग्विजय चौटाला अभी बयान देकर के गए हैं ये पूरे गठबंधन की जो पटकथा है वो बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली में रची गई थी और ये तीनों पार्टियां जो इकट्ठी होकर के आपके खिलाफ। देखिए स्वाभाविक है, मैं तो एक बात कहूँगा, और लोग बहुत हैं, इनेलो अपने हिसाब से लड़ रही है, उन्होंने अपना निर्णय लिया, मैंने अपना निर्णय लिया और जो मेरे विपक्ष में है वो अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। लेकिन सरसा के अंदर वोट काटू लोग भी बहुत हैं, उन वोट काटू लोगों की वजह से आज हमारे इलाके की दुर्गति है। आज एक बार फिर सारी ताकतें आपके भाई को आपके बेटे को हराने में लग गई, उसका सिर्फ एक ही कारण है, उनको पता है कि अगर ये व्यक्ति बन गया तो यहाँ पर धरातल पर बैठ के सरसा के लोगों के काम कराएगा। आपके फादर ने कल रात को एक बयान दिया था कि अगर आप जीतते हैं तो इसके बाद में CBI के अंदर भी एक जो है एप्लीकेशन डाली जाएगी, जितने पुराने काम हुए उनकी भी पूरी जांच होगी, नहीं अगर CBI से होता तो हाईकोर्ट में भी जाएंगे। राहुल शेट्टी जी का बयान देखिए ऐसा है, उन्होंने अपने हिसाब से जो बात कही बिल्कुल ठीक कही, लेकिन मैं एक चीज़ और जानता हूँ कि देखिए किस प्रकार से नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला था, कितने करोड़ों का ड्रेनेज सिस्टम का काम किया गया। आज खुद जो गद्दी सरसा की संभाले हुए हैं 700-800-900 करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं करते, और इतनी दुर्गति, अगर इतना पैसा लगा होता सिरसा विधानसभा के अंदर तो आज शहर की हमारे गांवों की तस्वीर बदली होती, तो ये लोगों का जो पैसा था वो कहाँ गया, बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। आपने सफाई अभियान शुरू किया था उसका बड़ा जबरदस्त असर देखा जा रहा है। देखिए ऐसा है, मैं एक बात जानता हूँ कि मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि देखिए मुझे मौके पे दिल्ली जाना पड़ा और मैं भी मन में मेरे एक चीज़ थी कि यार इलेक्शन का टाइम चल रहा है और मैं 12 दिन वहाँ बैठा हूँ, तो इस करके मेरी तो पूरी मंशा थी कि मैं नॉमिनेशन तक सफाई अभियान को जारी रखूँ, एक एग्जाम्पल लोगों को बना के दिखाऊं कि सेवक सेवादार बोर्ड पे लिखाने से नहीं होता, अगर हम वाकई में सेवादार हैं तो हमें अपने इलाके के अपने घर के काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। धनबल का यूज होने का आप कभी गूगल से जाने अपनी जेब से 5 रुपए नहीं दिए लोगों की सेवा के लिए? ऐसा है, मैं आज अंदर था, मैंने पैरी हाथ लगाई उनके, उन्होंने कहा शाबाश, अब यार इतने सॉरी अरबपति आदमी का राजा महाराजाओं का मुझे आशीर्वाद मिल गया, मैं इलेक्शन थोड़ी हारूंगा। इस इलेक्शन में गोकुल कांग्रेस की वो आपके साथ दिखाई दे रही है, मेहता ने थोड़ी बगावत भी दिखाई है। देखिए ऐसा है, काफी कैंडिडेट जो पैनल के अंदर जिन्होंने नाम भेजा था इसमें कोई दोराई नहीं है, वो अपने हिसाब से पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता काफी लीडर थे। मेरी नई नई एंट्री हुई है, मुझे ऑफर आया कि आप आइए
और सबको बच्चे बच्चे को पता है सरकार कांग्रेस की बन रही है, तो विपक्ष में बैठ के भी मैं क्या करता, मुझे कोई एमएलए केवल बन के शौक तो नहीं पूरा करना था। अब ये जो जनता इतने साल से मेरे साथ चल रही है, अगर इनके लिए मैं कुछ कर ही ना पाऊं तो फिर मेरे बनने का फायदा क्या। लेकिन भीतर का क्या खतरा रहेगा, जो पुराने बैठे हैं उनको इस चीज़ से कहीं ना कहीं तो ठेस पहुंचती है, ये स्वाभाविक है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि सबको साथ लेके चले, और जिसका जिस हिसाब का उनका औहदा है, जो उनका सिस्टम है, वो उस हिसाब से पार्टी उनको आगे रखे, और उनका अपना सिस्टम में रखना उनको चाहिए। भीतरघात का खतरा जो है सबसे बड़ा हो सकता है आपके सामने। देखिए ये तो स्वाभाविक बातें हैं, मैं और लीडरों की तरह नहीं कहता नहीं नहीं सारा मामला ठीक है, बहुत कुछ होता है, सारा कुछ होगा भी। यहाँ धनबल का भी प्रयोग करेगा पूरा यूज, क्योंकि ऐसी चर्चाएं जो हैं यहाँ तैर रही हैं हवा के अंदर कि गोकुल के नंबर अच्छे हैं लेकिन धनबल का यूज करते हुए दूसरी पार्टी आगे। अगर धनबल यूज ना करें तो मेरे हिसाब से 300 से ऊपर नॉमिनेशन में आदमी नहीं आई उनके साथ, और बिलो 10,000 रह जाए। लेकिन ये मैं कोई बात घमंड में नहीं कह रहा, चाट ऐसी डाल दी एरिया को, नाश करके रख दिया। कहीं भी जाते हैं, मैं टिकट के चक्कर में 12 दिन बेसिक दिल्ली बैठा था, हाईकमान ने रोका हुआ था, जो और इलाके के कैंडिडेट थे वो मेरे से चर्चा कर रहे थे, कहते आप कहाँ से भाई साहब, मैं कहा मैं सरसा से, जो जानते थे वो कहते भाई साहब आपके तो पैसा ही बहुत चलता है। ये छवि बना के रख दी हमारे इलाके के इन लोगों ने। गोकुल जी ठीक है, आप सेलजा गुट में हो या हुड्डा गुट में? मैं तो पंजे के गुट में हूँ जी, सारे के सागे हूँ मैं। हाँ मेरी ना गोभी खो तो मैं न्यू आया हूँ 4 दिन।